हेलो नमस्कार, कैसे हो मेरे प्यारे साथी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आपके लिए मैं राजस्थान हाई कोर्ट के हिंदी के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर जो कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए दोस्तों, जो आपके जो राजस्थान हाई कोर्ट के लिए मॉडल पेपर के तौर पे लेकर आऊँ, जो चौधरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही लाइक कर देना वीडियो शुरू से ही, वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बने रहना, और साथ साथ अपने साथियों में भी शेयर कर देना। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर दें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हिंदी का आपके लिए मैं संग्रहित करके लेकर आया हूँ। चलिए दोस्तों, फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, कलेजे पर सांप लौटने का जो क्या है, इसका अर्थ क्या है जो कलेजे पर सांप लौटने का। तो कलेजे पर सांप लौटने का आपका आंसर है, आपको जवाब देना है इसका राइट आंसर है जो क्या है दोस्तों, दूसरों को मूर्ख बनाना, या ईर्ष्या ईर्ष्या या दुख से मन बेचैन होना, बहुत प्रसन्न होना, या लज्जा होना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा जो आपका बी होगा, जो कि ईर्ष्या और दुख से मन बेचैन होना कलेजे पर सांप लौटने करता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, कलेजा ठंडा करने का अर्थ क्या है, जो कलेजा ठंडा करने का अर्थ क्या है। चलिए दोस्तों, कलेजा जो ठंडा करने का अर्थ है, जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका संतोष करना, आपका डी जो दया, राइट आंसर हो जाएगा दया आपका, कलेजा ठंडा करना आपका जो संतोष करना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंगूठे का नाग होना, जो अंगूठे का नाग होने का अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बहुत कीमती होना, राइट आंसर दया हो जाएगा आपका इसका बहुत ही कीमती होना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, चौथा क्वेश्चन है समुद्र मंथन करना, समुद्र जो मंथन करना है उसका अर्थ क्या है। दोस्तों समुद्र मंथन करना है जो इसका राइट आंसर होगा आपका, जो कठोर परिश्रम करना है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल पक जाना, जो दिल पक जाने का अर्थ क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा अत्यंत पीड़ा होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी की जस्टिस आपके लिए, जो एग्जाम में कई बार पूछे गए मॉडल पेपर के तौर पर आपके लिए लेकर आए। आकाश से बातें करने का अर्थ क्या है, जो आकाश से बातें करने का अर्थ क्या है। तो आप जिसमें राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर बहुत ऊँचा होना इस मुहावरे का अर्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, बांस पर उछलना, इसका जो मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका दय हो जाएगा इसका आपका, जो बहुत प्रसन्न होना। तो दोस्तों चैनल वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें, साथ साथ चैनल पर नहीं तो नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए आठवां क्वेश्चन आपका, भवन या भुवन शब्द का युग्म उपयुक्त अर्थ क्या है, जो जैसे भवन का भवन होता है दोस्तों, तो उपयुक्त तो उसका अर्थ क्या है। तो संसार का घर, या जग का सदन होगा, या फिर आपका मकान का संसार होगा, या ग्रह का महल होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका जो इसका राइट आंसर है मकान का संसार होगा, जो इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संधियों में से दोस्तों नौवां क्वेश्चन है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पवित्र का सही संधि विच्छेद है, पवित्र है उसका सही संधि विच्छेद, प प्लस एत्र, या फिर पवित्र पो प्लस एत्र, या पोत्र पेत्र। तो जो राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका दय हो जाएगा पो प्लस एत्र, पवित्र का सही राइट जो संधि विच्छेद है। कई बार दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं स्वर संधि में कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि में दोस्तों आपके जो है राइट आंसर बी हो जाएगा, पांच भेद होते हैं जो कि स्वर संधि में होते हैं। दोस्त चौधरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा जी के साथ साथ, जो हिंदी के जो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जी के में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाकर देखें, चैनल पर आप जाकर विजिट करके आप वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्यारहवा क्वेश्चन आ गए, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, जो स्वागत है उसमें प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, इसमें कौन सी संधि है जो प्रयुक्त में दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, इसमें आपका यण संधि है स्वागतम में, राइट आंसर यह आपका।
चलिए 12वां क्वेश्चन, मुख दर्शन करना कौन सा समास है? जो मुख का दर्शन करना, इसमें कौन सा समास है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इसमें दोस्तों। तो राइट आंसर है तत्पुरुष समास हो जाएगा मुख दर्शन करने का। दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दिए अपने दोस्तों में, साथियों में, साथ ही साथ यहाँ पर रेड वाला बटन होगा उसको सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आपको जो नोटिफिकेशन मिलते रहे, और बेल आइकन को भी हिट कर दें। वीडियो पसंद है वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दें और शेयर भी कर दें। चलिए जो आपका जो आंसू का बहुवचन क्या होगा, जो आंसू आंसू शब्द है दोस्तों इसका जो बहुवचन क्या होगा? तो इसका बहुवचन दोस्तों इसका जो राइट आंसर इसका सही हो जाएगा आंसू हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14वां क्वेश्चन दोस्तों, जो केश विन्यास आजकल अधिक प्रकट हो रहा है, जो दोस्तों केश विन्यास है आपका आजकल बहुत प्रकट किया जाता है, तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों? जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो केस संवालना इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वां क्वेश्चन है आपका, तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं, जो तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो क्या है दोस्तों? तीर का बाण है, सर है, या नाराज, या फिर तीर है? इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा, जो तार है इसका राइट आंसर, जो पर्यायवाची शब्द नहीं है तीर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16वां क्वेश्चन आपका, कंचन का पर्यायवाची शब्द है, जो कंचन का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका क्या है? दो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा, जो कनक है, जो कंचन का पर्यायवाची शब्द है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान जो हाई कोर्ट के लिए, ग्रुप डी के एग्जाम के लिए, जो इसे इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में, जैसे ज़्यादा विद्यार्थी लाभार्थी तो चैनल को, पर आप नए हैं चैनल पर विजिट अभी किया आपने, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17वां क्वेश्चन, अलंकेश पर्यायवाची शब्द है, जो अलंकेश है किसका पर्यायवाची शब्द है? बादल का है, कल्पवृक्ष का है, कुबेर का है, या चपाल का है? इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सही हो जाएगा, जो कुबेर का ये पर्यायवाची शब्द है अलंकेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, मारुत का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? मारुत का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका क्या है? तो वायु है, या पृथ्वी है, या तालाब है, या देवता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? जैसे कि आपको पता है दोस्तों मारुति मारुति यानी हनुमान जी का नाम था पहले, जो हनुमान जी का नाम था दोस्तों जो हनुमान जी का नाम था मारुति बचपन का, तो आप मारुति समझ लीजिए, इसका राइट आंसर भी है पवन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19वां क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया दोस्तों मैं आपके लिए, मछली का चित्र किसने बनाया? जो मछली का चित्र है वो किसने बनाया था? जिसका जो भाषा मत्स्य ने, या जलमणि मकर ने, या सपारी धात्री ने, या मणि मत्स्य ने? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका दय हो जाएगा, जो मणि मत्स्य ने इसका चित्र मछली का चित्र बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है काफ़ी 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, युद्ध में मृत्यु पाना, जो युद्ध में इसका मृत्यु पाना इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों? काम आना, या तम माम, या काम तमाम, या काम आना, या काम तमाम, ढेर हो जाना, या डेरा उठ जाना? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों मैं आपसे चाहूँ कमेंट कीजिए, कितने जो स्टूडेंट हैं जो इसका राइट आंसर दे सकते हैं? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है आपका ये हो जाएगा, जो काम आना, या किसी कहते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है युद्ध में किसी विपक्षी की या शत्रु की, चलो कोई काम तो आया, तो वही है दोस्तों इसका काम आना, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा आपका। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से लेकर आऊँ दोस्तों सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी कर दें, और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें दोस्तों, जिससे हम राजस्थान हाई कोर्ट की जो काफ़ी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर आएंगे, जीके की बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं, आप चैनल पर जाकर विजिट करके तो आप देख सकते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।